जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली CISF हेड कांस्टेबल जो मिनिस्टर स्टाफ का जो नोटिफिकेशन 2019 जनवरी फरवरी की जो नोटिफिकेशन थी, जो फिजिकल था वो जुलाई 2019 में ही हो चुका है। उसके बाद में अब डेढ़ साल का इंतजार हो गया है, तो उसके लिए जो गुड न्यूज़ है उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है। जो CISF हेड कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, तो उनके लिए जो गुड न्यूज़ है उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो। साथ ही जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहत अकेडमी, जिसपे अब मैं नई नई जितनी भी आपकी वैकेंसी आएगी, हर महीने की कौन सी वैकेंसी आने वाली है, आपके लिए कौन सी वैकेंसी, कितनी एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या फीस है, उसके बारे में टोटल क्या सिलेबस है, सभी प्रकार की जानकारी दूंगा। तो उसके लिए मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहत अकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, आप जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लास के साथ साथ आने वाली नई वैकेंसियों की अपडेट भी मिलती रहेगी दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि इसके बारे में गुड न्यूज़ क्या है। आप सभी को पता है कि इसकी नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी 2019 में आ चुकी थी, उसके बाद में जुलाई में इसका फिजिकल हो गया था, उसके बाद में अब पेपर कराने के लिए डेढ़ साल तक का वक्त हो गया। इसके बीच में CISF ने, जैसे SSC ने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम करवा दिया, और भी इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ। कम से कम आप मान के चलिए अगर जुलाई से लेते 6 महीने वो और 12 महीने ये, डेढ़ साल का ये टाइम हो गया है, लेकिन इसकी पेपर की कोई सूचना भी नहीं है, कहीं कोई कंडक्ट भी नहीं है। आप सभी ने देखी होगी इसकी पेपर की कहीं पे भी कोई सूचना नहीं है, ऑफिशियली कोई सूचना नहीं है। आपने बहुत जगह देखी होगी, लेकिन दोस्तों मेरे पास कम से कम 10-12 इस प्रकार के मैसेज आए थे कि सर अगर हो सकता तो आप पता करके बताइए हमारे कब से। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम से पहले सबसे ज़रूरी है कि आपकी तैयारी। तो अभी अगर आप तैयारी में लग रहे हो तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी होने वाला है। यानी कि ये मैंने, आप मान के चलिए 100% न्यूज़ है कि आपके एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकते हैं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन होंगे ही होंगे, ये बात पक्की है। क्यों होंगे, उसका रीज़न बता दूँ कि जो पैरामेडिकल स्टाफ का CISF का जो एग्ज़ाम होना है फिजिकल के बाद में, वो एग्ज़ाम आपके इस एग्ज़ाम के बाद में होगा दोस्तों। ये क्लियर न्यूज़ है, ये आपको जब ऑफिशियल नोटिस आएगा इसका 1 महीने पहले, तब आप जरूर एक बार चैनल पे आके देख लीजिए। ये 100% न्यूज़ है कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल माह 2021 में होना है, और उसके बाद में जो CISF के जो ट्रेडमैन का वाला जो एग्ज़ाम है वो इसके बाद में अप्रैल में या मई में होगा। हो सकता है कि वो दोनों अप्रैल में हो, लेकिन CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एग्ज़ाम अप्रैल माह में होगा दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को और ज़ोर से स्टार्ट कर दीजिए, ज़ोरों से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 100% न्यूज़ है, क्योंकि मिनिस्टर स्टाफ की न्यूज़ है। अब मैं नोटिस तो आपको इसका नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं होता तब तक मैं भी नहीं दिखा सकता, लेकिन आप ये मान के चलिए ये न्यूज़ 101% राइट है। तो 100% न्यूज़ है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल 2021 में होना ही होना है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को और ज़ोर से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास में कम ही समय है, और ये एग्ज़ाम होने के बाद ही CISF के जो ट्रेड्समैन के जो एग्ज़ाम होने वो इस पेपर के बाद में होने दोस्तों। तो आपको पता है CISF ट्रेड्समैन के, इनके सबके फिजिकल अभी सभी के जैसे चल रहे हैं, CRPF के फिजिकल शुरू होने वाले हैं 18 जनवरी से, तो इनका जो एग्ज़ाम होना है सभी ट्रेड्समैन का, तो CISF के जो ट्रेड्समैन जो पैरामेडिकली जो वैकेंसी चल रही है उसके इस एग्ज़ाम के बाद में होगा। ये जो CISF की जो समरी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उसमें जो एग्ज़ाम की जो डिटेल्स है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ये नोटिस अभी मतलब ऑफिशियल नहीं होगा, आई थिंक 5-7-10 दिन के अंदर अंदर ये ऑफिशियल भी हो जाए, लेकिन जब ऑफिशियल होगा तब भी आपको यही पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा और ये 101% है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी जारी रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।